If the straight line joining the origin and the point of intersection of the curve this and this are equally inclined to the coordinate axis, ठीक है, then find the value of k. तो ठीक है, अब अपने को basically क्या बताना है, अब इस line और अगर मैं इस line और इस curve को solve करूँगा तो इसके दो point of intersection होंगे, ठीक है. अब उस line को अगर अपन origin से join करें तो वो line जो है equally inclined with coordinate axis है. तो उसके लिए अपने को condition बतानी कि k की value क्या होगी. Let's say इसको अगर मैं simply diagram बना के आपको explain करूँ तो ये let's say अपना क्या है, coordinate axis है, ठीक है. इसमें ये कोई एक कर्व है, ठीक है, ये कोई कर्व है और ये अपना कोई एक लाइन है. ये कर्व सी गिवन है और ये लाइन एल गिवन है. तो इसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इसको अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन करूंगा तो अपने पास दो लाइन और आ जाएंगी. ये जो नई लाइन आ रही है डॉटेड लाइन से, ये क्या है, इसके बारे में बोल रहा है कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइन है, ठीक है. कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइन है, इक्वली इंक्लाइन मीन्स अगर ये एंगल एक्स एक्सिस से कितना थीटा एंगल पे है तो ये एंगल वाई एक्सिस से थीटा एंगल पे हो जाएगा. इसको अपन बोलते हैं इक्वल इंक्लाइन. तो अपने को के की वैल्यू क्या होगी, ये तो मैंने डायग्राम से बना दिया. अब इसे क्वेश्चन को करते हैं कैसे, अपन इस क्वेश्चन को करते हैं अपन होमोजेनाइजेशन कॉन्सेप्ट होता है उसकी हेल्प से, ठीक है. तो अब अपन कर्व को क्या करेंगे, होमोजेनाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ गिवन लाइन, ठीक है. तो लाइन अगर देखो तो लाइन क्या गिवन है, लाइन एल की इक्वेशन एक्स प्लस के वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू वन. और होमोजेनाइज का मतलब क्या होता है, कर्व की डिग्री, कर्व की इक्वेशन अगर मैं देखूं तो ये क्या है, डिग्री टू में है. अगर मैं कर्व की इक्वेशन को सी से रिप्रेजेंट करूं तो ये क्या है, फाइव एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स वाई प्लस ट्वेल्व एक्स वाई, और ये क्या है, माइनस सिक्स वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री इज टू जीरो. इसको अब अपने को क्या करना है, होमोजेनाइज करना. होमोजेनाइज मतलब डिग्री होमोजेनेशन. यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, टू है. यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, ओवरऑल टू है, वन एक्स की वन वाई की. यहाँ पे टू है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे जीरो है. तब यहाँ से अपन क्या करेंगे, डिग्री होमोजेनाइज करेंगे, ठीक है. अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, डिग्री का होमोजेनाइजेशन करेंगे, ठीक है. तो जहाँ पे डिग्री टू है वहां पे डिग्री टू ही रहने दे. तो फाइव एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स वाई माइनस सिक्स वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स, और एक्स को अपन वन से मल्टीप्लाई करके वन के जगह अपन ये वैल्यू रख सकते हैं. एक्स प्लस के वाई वन के जगह पे अपन ये वैल्यू रख सकते हैं. अगर दोनों को ऑब्वियसली दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व भी कर रहे हैं तो वन के जगह पे क्या करें, एक्स प्लस के वाई रख देते हैं. तो एक्स प्लस के वाई रख दिया मैंने, मैंने जगह माइनस टू वाई, सॉरी माइनस टू वाई, और वाई की जगह पे यहाँ पे क्या है, वन है यहाँ पे. तो वन के जगह पे एक्स प्लस के वाई अपन पुट कर देते हैं, ठीक है. प्लस यहाँ पे थ्री इंटू वन स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, और वन के जगह पे अपन क्या लिख देंगे, x प्लस के वाई का होल स्क्वायर. ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन, ठीक है. अब अपन देखें तो यहाँ पे सारे टर्म्स की डिग्री क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी, और ये हो जाए डिग्री होमोजेनाइजेशन, ठीक है. अब लेट से मैं इसको सॉल्व करता हूँ. ये सॉल्व करके क्या आएगा, ये आएगा फाइव एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स वाई माइनस सिक्स वाई स्क्वायर. इसको सॉल्व कर दिया जाएगा प्लस फोर एक्स स्क्वायर, फोर एक्स स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा प्लस फोर के एक्स वाई, फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर के एक्स वाई. यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू एक्स वाई, और आ जाएगा माइनस माइनस टू के वाई स्क्वायर. यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो प्लस थ्री टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा. तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, थ्री के स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है. थ्री के स्क्वायर वाई स्क्वायर, और माइनस टू के आएगा, सॉरी प्लस टू के, तो प्लस आ जाएगा सिक्स के इंटू एक्स वाई इज टू जीरो. तो ये हो गया डिग्री होमोजेनाइजेशन. बेसिकली अपन ने कर्व को होमोजेनाइज कर दिया और इसमें सारे टर्म्स की डिग्री क्या है, टू है. तो ये होता है होमोजेनाइजेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है. यहाँ से मैं कोफिशियंट देखूँ तो फाइव प्लस एक्स स्क्वायर का मैं कोफिशियंट कलेक्ट करता हूँ. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फाइव प्लस फोर, फाइव प्लस फोर आ जाएगा. एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कलेक्ट करो तो फाइव प्लस फोर आ जाएगा, ठीक है. मैं यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर कलेक्ट करता हूँ. तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे है, और अगर मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यहाँ पे भी है तो प्लस थ्री आ जाएगा, प्लस थ्री. तो यहाँ पे ये अपना एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट आएगा, ठीक है. लेट से इसे मैं बोल देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस. अब लेट से मैं क्या एक्स वाई का कोफिशियंट कलेक्ट करता हूँ, ठीक है. एक्स वाई का कोफिशियंट कलेक्ट करूँ तो एक्स वाई का कोफिशियंट कहाँ पे है, ट्वेल्व यहाँ पे आ गया, ट्वेल्व. और अगर मैं देखूँ तो प्लस का फोर के आ जाएगा, प्लस का फोर के, प्लस का फोर के ये रहा. और एक्स वाई यहाँ पे, यहाँ पे भी है तो ये आ जाएगा माइनस टू, ठीक है. एक्स वाई और कहाँ पे है, लेट से एक्स वाई यहाँ पे है प्लस सिक्स के, तो प्लस क्या आ जाएगा, प्लस सिक्स के. तो ये क्या आ गया, एक्स वाई का कोफिशियंट आ गया. एक्स वाई का कोफिशियंट ट्वेल्व प्लस फोर के और माइनस टू, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस सिक्स के. अब लेट से मैं वाई स्क्वायर का कोफिशियंट कलेक्ट करता हूँ, ठीक है. तो वाई स्क्वायर का कोफिशियंट कलेक्ट करूँ तो वाई स्क्वायर का कोफिशियंट कहाँ पे है, ये रहा यहाँ पे, मैं मार्क करते जा रहा हूँ, ठीक है.
सिक्स यहाँ पे है, और वाई स्क्वायर का कोफिशियंट अगर मैं देखूँ तो वाई स्क्वायर का कोफिशियंट कहाँ पे, यहाँ पे माइनस टू के ये रहा, और अपन वाई स्क्वायर का कोफिशियंट देखें तो प्लस थ्री के स्क्वायर। तो ये बेसिकली अपने पास आ गया होमोजेनाइजेशन इक्वेशन। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या है, जीरो। मैं इसको अब क्या करूंगा, वो एक्स स्क्वायर से इसे डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, अगर मैं एक्स स्क्वायर से इसे डिवाइड कर दूं, लेट से इसे अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँ तो ये क्या आ जाएगा, 5 + 4 9 + 3। तो 5 + 4 + 3 तो ये क्या आ जाएगा, 9 + 2 12 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर से अपन डिवाइड करते हैं, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, वाई बाई एक्स आ जाएगा। यह आ जाएगा वाई बाई एक्स, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 12 - 2, तो 12 - 2 क्या आ जाएगा, 10, और प्लस का क्या आ जाएगा, 10k। ठीक है, प्लस ये आ जाएगा वाई बाय एक्स का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। और इसको अगर मैं सॉल्व करूं कि यहाँ पे इसका कोफिशियंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3k स्क्वायर। इसको अगर मैं देखूं कोफिशियंट तो ये आ जाएगा 3k² - 2k + 6 = 0। अब वाई बाय एक्स बेसिकली क्या है, ये जो अपने पास कंबाइन इक्वेशन ऑफ, अगर मैं इसे ओरिजिन ओ बोल दूं और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी होगा, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली वाई बाई एक्स इन ओ ए और ओ बी के लिए, यहाँ पे एम में इक्वेशन आ गया। वाई बाई एक्स को अगर मैं यहाँ पे एम से रिप्लेस करूँ, एम जो कि स्लोप हो जाएगा, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, 3k² - 2k + 6 × m². ठीक है, वाई बाई एक्स को मैं एम से रिप्लेस कर रहा हूँ क्योंकि वाई बाई एक्स जो होगा वो क्या होगा, ओ ए और ओ बी का स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 10 + 10k × m, और ये आ जाएगा प्लस का 12 = 0। तो अपन देख रहे हैं कि ये m में क्वाड्रेटिक है, इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, दो वैल्यू होगी, m1 और m2। ठीक है, ये दो वैल्यू होगी। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो ये लाइन OA और OB है ये इक्वली इंक्लाइन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे अगर इन्होंने क्वेश्चन में गिवन है कि जो दो लाइन है वो इक्वली इंक्लाइन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, तो अगर इक्वली इंक्लाइन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो अपन m1 m2 की वैल्यू क्या जानते हैं, 1, तो जो लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, इक्वली इंक्लाइन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस के केस में। तो अब यहाँ पे मैं अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स m1 m2 क्या होगा, इस इक्वेशन के रूट्स होंगे, तो अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऑफ रूट लिखूँ कि क्या हो जाएगा, ये m1 m2 और इसकी वैल्यू क्या होगी, c अपॉन a, तो ये 12 अपॉन क्या आ जाएगा, 3k² - 2k + 6, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1। तो यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू सॉल्व करती हूँ, यहाँ से अपने पास k की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 3k² - 2k + 6 = 12। तो यहाँ से ये k में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी और ये क्या आ जाएगा, 3k² - 2k - 6 = 0। तो यहाँ से अगर मैं k की वैल्यू निकालूँ तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 - √b² - 4ac, तो 6 × 3 ये आ जाएगा प्लस का 72 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। तो ये बेसिकली k की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, तो यहाँ से अब अगर मैं वैल्यू देखूँ तो k की वैल्यू क्या आ रही है, k की वैल्यू आ रही है 2 + √76 डिवाइडेड बाय 6। तो ये बेसिकली k की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस देखूँ तो ऐसा कोई ऑप्शंस नहीं है, तो कौन सा ऑप्शंस हो जाएगा, ऑप्शन डी, डज नॉट एग्जिस्ट इन द सेट ऑफ रियल नंबर। सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया। ठीक है, मिस्टेक क्या किया, लेट्स सी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो क्या गया, 5 + 4 9 + 3 12, बट अगर मैं वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखूँ तो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे -6 है, सॉरी यहाँ पे ये -6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये -6 आएगा, और वाई का कोएफिशिएंट यहाँ पे -2 के, और यहाँ पे 3k², तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे साइन चेंज करूँ तो ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इक्वेशन चेंज आ जाएगा, यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब अगर ये वैल्यू मैं चेंज करूँ थोड़ा सा, ये वैल्यू यहाँ पे -6 आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे भी +6 था वहाँ पे क्या आ जाएगा, -6 आएगा। तो अपना थोड़ा सा इक्वेशन क्या चेंज आएगा, लेट्स सी, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा, -6, और यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा, लेट्स सी, अगर मैं वैल्यू देखो तो ये आ जाएगा -18 आ जाएगा। ठीक है, -18। अब अपना के का वैल्यू चेंज आ जाएगा, लेट्स सी अपने पास के की वैल्यू क्या आती है, ये अपन ने थोड़ा सा साइन का वहाँ पे चेंज एरर आ गया था। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गया 0। तो यहाँ से अपन मैं k की वैल्यू निकालता हूँ, तो k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 2 + √b² मतलब 4 प्लस कितना आ जाएगा, 18 × 12। ठीक है, तो k की वैल्यू आ जाएगी 2 + √b² - 4ac करूँ तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 × 3 = 12 × 18 आ जाएगा। ठीक है, 12 × 18 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर इसकी वैल्यू देखूँ तो क्या, ये वैल्यू आ जाएगा 2 + √220 / 6। तो ये बेसिकली जो गिवन ऑप्शन है उसमें से कौन सा =1 = -1 = 2 ये नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली ये क्या आ रहा है, ये एक इरेशनल नंबर आ रहा है। ठीक है,
ये अपना आंसर हो जाएगा।